Good morning, students. We are doing chapter 3 of your reasoning book, that is alphabet test. So last lecture में मैंने आपको बताया था कि 4 types के questions करेंगे हम, और आपको मैंने types के साथ साथ इनके examples भी करवाए थे, right? So आज हम आगे के questions करेंगे students. Like ये third question देखिए, MUERNP. देखिए कैसे करेंगे हम ये question. Find the meaningful combination of numbers so that letters are arranged according to a meaningful word. आपने letters को arrange करना है, okay? और देखना है कि कौन से option से meaningful word बन रहा है. अब जैसे कि यहाँ पर given है 512634, तो क्या बनेगा इससे word? 5 पे क्या है? N, 1 पे M, 2 पे U, 6 पे B, 3rd पे E एंड 4th पर R. सो ये meaningful word नहीं है. नेक्स्ट देखिए, 5th पे N, 2nd पे U, M, B, E, R, number. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, सो सारे क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से करने हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. देखिए आपको जैसे कि यहाँ पर 10th क्वेश्चन में ये लेटर गिवन, ये वर्ड गिवन है. सो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसकी हेल्प से नहीं बनेगा. देखो फर्स्ट है एस ओ एन. एस ओ एन बन सकता है? यस, एस ओ एन, सन. कॉइन, सी ओ आई एन, ये भी बन सकता है. सन, एस यू एन, एस यू एन, सन भी बन सकते हैं. नेक्स्ट इज नोज, एन ओ एस ई, ई नहीं है इसके अंदर, सो ये नहीं बन सकता है. सो दिस इज द आंसर. ओके, और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे 12 to 15. इसमें आपने क्या करना है, आपको ये जंबल लेटर्स दिए हुए हैं, आपको इनका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे. ये जो ऑप्शंस है इनमें इनकी कैटेगरी रिटन है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये वर्ड्स. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 18th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे आपको एक वर्ड गिवन है, इसमें लेटर्स हैं. सो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें इन लेटर्स के यूज से वो वर्ड बन सकता हो, जैसे कि रोस्ट, आर ओ एस टी. सो देखिए इसमें क्या, जो रोस्ट में जो लेटर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आर ओ ए एस टी, एस नहीं है इसमें, सो ये आंसर नहीं है. हमने बताना है कि कौन सा बन सकता है. ग्रेट, जी आर ई ए टी नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं बन सकता. एम ओ आर ई, एम ओ आर ई, मोर बन सकता है. सो यस, दिस इज द आंसर. ये जो 19th क्वेश्चन है सेम आपको इसी तरीके से करना है. नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखिए चिल्ड्रन, अरेंज द अल्फाबेट्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल वर्ड एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड. आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, ओ यू एल एस टी. आपको इस लेटर्स की हेल्प से एक वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड. तो क्या बनेगा इनकी हेल्प से? एल ओ टी यू एस, लोटस. और लोटस कौन सी कैटेगरी में आता है? फ्लावर. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्लावर. सो ये क्वेश्चंस चिल्ड्रन जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं उसी तरह से करने हैं. लाइक फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. जैसे आपको यहाँ रेक्टेंगल वर्ड दिया हुआ है जो इसमें लेटर्स है, आपको ये देखते हैं इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसकी हेल्प से नहीं बन सकते हैं. ओके, और ये सेम इसी तरीके से करना. अब यहाँ पर देखिए 25th क्वेश्चन में आपको लेटर्स गिवन है और नंबर्स गिवन है, और ऑप्शंस में आपको नंबर्स गिवन है. तो आपको देखना है कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बन रहा है, वो ऑप्शन आपका आंसर होगा. ओके, सो ये भी आपको इसकी तरह करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. आपको इंट्रोडक्शन वर्ड दिया हुआ है, और आपको देखना है कि ये जो लेटर्स हैं इनकी हेल्प से कौन सा वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है. ओके, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड. अब देखिए यहाँ पे है 4 5 2 1 3. फोर्थ प्लेस पे क्या है? एल ई ए आर एन, लर्न. ओके, यहाँ पे क्या है? लर्न. लर्न इज अ मीनिंगफुल वर्ड. सो ये क्या है हमारा आंसर.
ओके सो ये क्वेश्चंस आपको सेम वे से करने हैं स्टूडेंट्स, ओके, और इनके आंसर आपको टिक मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको लेटर दिया हुआ है क्रिसमस, ओके, सो आपको देखना है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। देखिए सी एच ए आई आर एस, चेयर्स बन सकते हैं। रेसिस्ट आर ए सी आई एस टी, ये भी बन सकता है। शर्ट्स एस एच आई आर टी एस, शर्ट्स भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरम्स सी ए आर ओ, ओ नहीं है इसके अंदर, सो इट मीन्स कैरम्स नहीं बन सकता है। ओके सो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो आपने मुझसे लाइव क्लास में लेनी है। ओके सो बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।